ये जजमेंट पास हुआ है, इसका जो रिपरकशन है वो इन पे वाइटली इम्पैक्ट करेगा। यह एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। हमारे मजाहिब और हमारा संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। पूरे समाज में इस विषय पर एक कंसेंसस बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए। थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है कुछ लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में है। नमस्कार, शाम के 6 बजने को है, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अब देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है, लेकिन समाज का एक तबका जो हमेशा से समान नागरिक संहिता का विरोध करता है उसे कोर्ट की बातें ठीक नहीं लग रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बहस छिड़ी हुई है, उसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी अब वो केवल उम्मीद नहीं रहनी चाहिए बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते वक्त की। दरअसल कोर्ट के सामने ये सवाल खड़ा हो गया था कि तलाक को हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक माना जाए या फिर मीणा जनजाति के नियम के मुताबिक। कोर्ट ने कहा, आज का हिंदुस्तान धर्म जाति कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक भारत में धर्म जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह या फिर विच्छेद यानी डाइवोर्स में दिक्कत भी आ रही है। इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये जजमेंट पास हुआ है, इसका जो रिपरकशन है वो इन पे वाइटली इम्पैक्ट करेगा। अभी भी ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज जो हमारे देश के सुदूर इलाकों में रहते हैं उनका इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है या उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हम कह सकें कि नहीं, अब इनके ऊपर भी वही चीजें अप्लाई की जा सकती है जो हम आम जनता के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे देश के आम नागरिक हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं। सो बेटर यही रहेगा कि एक डायरेक्शन देने के बजाय कि आप इनको डायरेक्शन दें कि आप आए और हमारे साथ खड़े हों। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई 2021 को फैसला देते हुए ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए और जो हिंदू ट्राइब है वो उसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गवर्न होना चाहिए जिस तरह से क्रिश्चियन ट्राइब क्रिश्चियन लॉ से गवर्न होते हैं और मुस्लिम ट्राइब मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला अभी सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी तक है, लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच खलबली मच गई है। तमाम लोग यक्षा सिविल कोड के अंदर शामिल हो जाएंगे तो तमाम लोग यक्षा तौर पर शादी करेंगे और यक्षा तौर पर ही उनको शादी तोड़ने का अधिकार होगा, लेकिन हमारे मजाहिब और हमारा संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। संविधान भी ये कहता है और हमारे मजाहिब भी ये कहते हैं कि हर आदमी को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है, वो अपने मजहब के मुताबिक शादी कर सकता है। पूरे समाज में इस विषय पर एक कंसेंसस बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए और जिन मत पंथ संप्रदायों के अपने कानून हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि समान नागरिक संहिता का अर्थ हिंदू कोड बिल नहीं है। इस कारण से यदि इस पर सरकार किसी प्रकार की कोई पहल करती है तो उसका सर्वदूर स्वागत ही होना चाहिए। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सियासी कनेक्शन काफी पुराना है। ये मुद्दा हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है, लिहाजा कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से सियासत सुलगने लगी है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है कुछ लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। कॉमन सिविल कोड की जब बात आती है तो लोग किसी एक समाज और एक किसी धर्म से जोड़ देते हैं। अरे भैया, कॉमन सिविल कोड आएगा तो हिंदुस्तान के 135 से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए होगा। वो पहले पूर्व चीफ जस्टिस भी गोवा में लागू समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की तारीफ कर चुके हैं और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को वक्त की जरूरत बताया है, लिहाजा मुद्दे पर एक बार फिर से
बहस शुरू हो गई है। अलग अलग धर्मों में जो पर्सनल कानून है, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर इसकी शिकार कोई होती है तो वो महिला होती है, और बार बार इसको लेकर बवाल मचता है, चर्चा होती है, लेकिन स्थिति जस की तस रहती है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जो बातें कही गई, एक समय में 30 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से भी इस तरह की बातें और टिप्पणी की गई थी, लेकिन स्थिति जस की तस है। समान नागरिक संहिता को लेकर आखिर इतना विवाद क्यों है, ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब जो कि प्रवक्ता है, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम वकार साहब जो कि प्रवक्ता है AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकर अली जो कि नेता है TMC के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, देखिए इसको लेकर बवाल मचना था और मच रहा है, अलग अलग लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, आप कैसे समझाएंगे कि देश को इसकी जरूरत वर्तमान समय में क्यों है? देखिए, जहां तक ये पहली बात की हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो जाहिर है सरकार इस पे इस दिशा में सोचेगी। आदेश है आदरणीय सुप्रीम हाईकोर्ट का, तो जाहिर है सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने बराबर से इस बात की गुहार की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में, और सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए, एक ही लॉ की मान्यता सबके लिए होनी चाहिए। लोग अगर ये कहते हैं कि मुस्लिम मजाहिब का भी, मैं सुन रहा था, तो मुस्लिम मजहब के हो या किसी भी मजहब के मानने वाले हो, किसी के लिए एक कानून किसी एक मजहब को के लिए नहीं आ रहा, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आ रहा, इस पूरे देशवासियों के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे अगर USA में फॉर इंस्टेंस, वहां मुस्लिम लोग नहीं रहते हैं, वहां तो बहुत ही कट्टर मुस्लिम होते हैं, यहां से भी ज्यादा, यहां तो बिल्कुल साधारण मुस्लिम है, वहां तो कट्टर मुस्लिम होते हैं USA में, UK में, और वहां देखिए किस तरह के सोच वाले होते हैं मुस्लिम। हाँ। लेकिन वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है और उसका पालन करते हैं सभी, तो ये कहना गलत है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है या हिंदू कम्युनिटी के लिए है और किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, ये गलत फहमियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। यही खुद जाएंगे यहां पर जो अभी बात कर रहे थे, अगर ये जाएंगे अमेरिका तो वहां के कानून के बड़े आराम से पालन करेंगे, लेकिन यहां पर कह रहे हैं इस्लाम खतरे में, भाई ऐसा नहीं है। हाँ। ये कानून सबके लिए होगा और आपके सबके कंसेंसस से होगा, सबसे डिस्कशन होगा, सब 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 विदेशों में जाएंगे तो वहां का कानून तो लागू कर लेंगे, देश में अगर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कुछ कहा जाए तो फिर आप लोगों को दर्द होने लगता है, क्यों बताइए। देखिए जफर इस्लाम साहब, आपसे पहले चैनल पर अभी मैंने आपके ये बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा, ये सारी की सारी जितनी कोशिशें हैं ये मुसलमानों के लिए आप कर रहे हैं। मैंने एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उठाया कि इसी देश में एक बड़ी समस्या है, गाय का गोश्त, गाय को काटा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान में तो गाय को आप मां कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में, आप इसी देश में आपकी सरकार में गाय का गोश्त बिक भी रहा है, गाय कट भी रही है, गाय बेची जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमानों पर इतनी मेहरबानी आप कर रहे हैं, आप गाय के ऊपर एक कानून क्यों लेके नहीं आते कि गाय को पूरे देश में मां बना दिया जाए, पूरे देश में गाय पर काटने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ना नॉर्थ ईस्ट में बिके ना गोवा में बिके। दूसरी बात, जब आप लोग सत्ता में नहीं थे तो आप लोग ये बात करते थे कि एक विधान एक संविधान, कश्मीर में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जा सकता। सर, हम आपके साथ हैं, कश्मीर हमारे देश का भी अंग है, कश्मीर में तिरंगा भी फहराया जाना चाहिए, राष्ट्रगान भी होना चाहिए, एक कानून एक संविधान लागू होना चाहिए। लेकिन जब से आप सरकार में आए हैं तब से नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में आपने अलग झंडा करा दिया, अलग राष्ट्रगान हो गया, और आपने हद कर दी कि अब बजाय 15 अगस्त के 14 अगस्त को वहां पर स्वतंत्रता दिवस। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है उस पर भी रह लीजिए वकार साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप आए हैं बहस करने, ना थोड़ा इस पर शुरुआती कमेंट तो कम से कम जो मेन सब्जेक्ट है उस पर देना चाहिए ना। आप तो कहां से कहां चले गए, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बीजेपी के ये कोड इशू रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। ऐसे जफर इस्लाम साहब को बचा रही है जैसे जफर इस्लाम साहब को कुछ आते ही नहीं है। अरे असीम बकार साहब, वो राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बकार साहब एक सेकंड, जरा चुप रहिए, सुनिए मेरी बात बकार साहब, ये निजी टिप्पणी मत बोला करिए आप, सुनिए मेरी बात। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, कोई बीजेपी के नेता ने नहीं कहा है कि बैठ के मैं यहाँ पर पैरवी कर रही हूँ, है ना, गलत बात मत बोलिएगा, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं। असीम बकार साहब, आप बड़े नेता हैं, पूरे सम्मान के साथ कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, शांत रहिए। विशाल मिश्रा जी, ये तो बीजेपी का कोर इशू था,
अब टिप्पणी भले ही हाईकोर्ट करे लेकिन बीजेपी का कोर इश्यू है तो उस पर बवाल बचेगा ही, और जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो बीजेपी की मंशा पर सवाल करते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर है लेकिन उसको साथ में लेकर आगे बढ़ने की मंशा उस तरह से दिखती नहीं जैसा विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। क्या है इस पर जवाब? देखिए चित्रा जी, जैसे ही समान नागरिक संहिता की चर्चा आती है तो तुरंत इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है। आप हमें ये बताइए कि संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब है सम प्लस विधान, माने समान विधान। तो फिर मजहब के आधार पर क्यों अलग अलग? आप मुझे बताइए। 23 नवंबर 1948 को चित्रा जी, जब संविधान सभा में विस्तृत चर्चा के बाद अनुच्छेद 44 जोड़ा गया तो उसके तहत सरकार को निर्देश दिया गया कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे। क्या थी उनकी मंशा? जो संविधान निर्माता थे उनकी क्या मंशा थी? उनकी मंशा ये थी कि अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग कानून के स्थान पर सभी भारतीयों के लिए पंथ, जाति, भाषा, लिंग निरपेक्ष कानून होना चाहिए। आप मुझे बताइए चित्रा जी, 18 अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1860 का आईपीसी, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट और 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड, मना कर रहा है चित्रा जी 1867 में, क्यों नहीं करती है सरकार? 1867 में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया पुर्तगाल सिविल कोड गोवा के सभी नागरिकों पर लागू है कि नहीं लागू है? नहीं, मना कौन करता है? पर ये दिल्ली हाई कोर्ट को कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिल्ली हाई कोर्ट को कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आजादी के बाद 1985 में, आप देखिए 1985 में साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 44 को क्या मृत अक्षर बनकर रह गया है? सरकार क्या कर रही थी? 1995 में सरला मिलिगल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और कितना समय लेगी। 2003 में सरकार ने जान बलवंत मामला के केस में कहा कि यह बहुत दुखद है कि अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। 2017 में सायरो बाना के केस में कहा कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं। 2019 में जोस पावलो मामले में सरकार की तरफ से कहा कि क्या प्रयास किया गया। वो तमाम बातें जो इसका जिक्र कर रहे हैं वो दिखा दे रहे हैं। चित्रा जी, मेरा ये सवाल है ना कि हाईकोर्ट टिप्पणी कर रहा है, अगर आपका कोर इश्यू था तो उसको लाने के लिए किसने मना किया आपको? और साथ ही अगर इसको लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, देखिए हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि दूसरे लोग जो आपकी विचारधारा के नहीं है उनको भी विश्वास में लेकर चलना, ये जिम्मेदारी भी विशाल मिश्रा जी सरकार की है। शाकिर अली साहब, ठीक है शाकिर अली साहब की टिप्पणी ले लेती हूँ मैं। शाकिर अली साहब, अब दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अगर ये कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त बिल्कुल सही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, स्वागत कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का आप? देखिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2014 से पार्लियामेंट में या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। और आप बताइए कि ये 2011 का सेंसेक्स रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन किसकी तादाद ज्यादा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि कोर्ट फैसला करेगी या पार्लियामेंट में यह फैसला आना चाहिए। अब रह गया सवाल कि इनको किसने मना किया था कानून लाने का। देखिए यहाँ पर तो देखिए, आपने जब बाबरी मस्जिद का फैसला करवा लिया, आपने 370 हटा दिया, 35A कर दिया, तो फिर इसको लेके बवाल क्यों मचा हुआ है? हमारे कहने का मतलब है कि ये कुछ दिन पहले मोहन भागवत बोलते हैं कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए सभी का डीएनए एक ही है, आप उसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से ओढ़कर देखने लगते हैं। यही तो बात हो रहा है। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए विशाल मिश्रा जी, शाकिर अली की बात पूरी हो जाए। हम बहुत खास चर्चा कर रहे थे इस पर, तो मोहन भागवत जी बोलते हैं कि इतने दिनों के बाद वो बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का जो है डीएनए एक ही है। चलिए बहुत अच्छा, हम ये बात का स्वागत करते हैं। उसके बाद आगे ये फैसला आ जाता है दिल्ली हाईकोर्ट का, तो हमारे फैसला नहीं, ये टिप्पणी है। हाँ। तो ये जो है, ये जो करेगा कोर, जिसने 370 किया, जिसने 35A किया, जिसने ये जो अभी 3 तलाक वाला मामला किया, तो आपने इसको सिर्फ यूपी इलेक्शन के लिए रोक के रखा था क्या कि यूपी का इलेक्शन होगा तो मोहन भागवत जी से एक बयान करवाएंगे और उसके बाद फिर यूपी इलेक्शन आएगा तो दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर बवाल मचेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे? ये सवाल हिंदू समुदाय को, इलेक्शन के ठीक पहले इस तरह की बातें क्यों होने लगती हैं? इसका जवाब जफर इस्लाम साहब आप दीजिएगा, क्योंकि आप यूपी से ही राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन हाजी खान साहब, एक टिप्पणी आपकी मैं लेना चाहूंगी, इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते अगर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से इस तरह की अहम टिप्पणी की जाती है तो आप लोगों की सोच इस पर क्या कहती है? ये सरकार का मसला तो है नहीं,
ये टिप्पणी तो दिल्ली हाई कोर्ट की है। देखिए चित्रा जी, बात यह है कि हिंदुस्तान में कानून जो है संविधान के एतबार से पार्लियामेंट को अधिकार है कि कानून बनाए। हाई कोर्ट के किसी जज की अगर कोई टिप्पणी है वो अपनी अपनी उनकी पर्सनल राय है, वो कानून नहीं है। कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सारे मजाहिब के लोगों से इन्होंने मशवरा किया कोई कानून बनाने के लिए? इतना बड़ा कानून आप बनाने जा रहे हैं, हमारे यहाँ निकाह होता है शादी में, हिंदू धर्म में फेरे दिए जाते हैं और क्रिश्चियनों में कुछ और किया जाता है, बौद्ध में कुछ और किया जाता है, जैन समाज में कुछ और किया जाता है। क्या इनसे आपने राय ली? क्या निकाह और फेरे एक कर दिए जाएंगे? बल्कि अगर संविधान बनाना है, कानून बनाना है, तो कानून को पार्लियामेंट में सारी पार्टियों से डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है मंचाय कानून बनाने के विधाता थे ना 300। कहाँ लिखा हुआ है? मैंने ये मैं ये नहीं कह रहा एक कर दी जाएंगे। कॉमन सिविल कोर्ट में जब कॉमन सिविल कोर्ट बनेगा तो हिंदुस्तान के 135 नागरिकों के ऊपर एक स्थायी कानून तो लागू होगा, उसी के लिए तो बनेगा। और क्या कानून एक सा लागू होगा ना? शादी करने के तरीके पर थोड़ी ना लागू होगा। आप निकाह कीजिए या साथ फेरे लीजिए, किसने मना किया आपको? अरे मैडम इसमें नहीं नहीं सर सुनिए ना, आप भ्रम वाली बात मत कीजिए ना हाजी खान साहब। टू द पॉइंट बताइए कि क्या वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद फेरे और निकाह एक कर दिए जाएंगे? क्या वास्तव में ऐसा होगा हाजी खान साहब? आप तो स्कॉलर है, साफ साफ बताइए। भारतीय संविधान जब बना तो उस संविधान ने यह तय करा, भारत 300 आदमी थे, 3 तो विद्वान थे, अंबेडकर उसके प्रेसिडेंट थे, जब ये कानून बनाए जा रहे थे हिंदुस्तान के, लॉ बनाया जा रहा था, तो उसमें ये सारे हिंदुस्तान के मजाहिब को देख कर ही रखा गया था। इसी को इस देश में अल्लामा इकबाल ने क्यों कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदी है हम मुसलमान हुए, मजहब के एतबार से हम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, लेकिन एक राष्ट्र के साथ हैं, भारत के साथ हैं, भारत के साथ रहेंगे और भारत के संविधान के साथ हम उसकी आस्था रखते हैं, क्योंकि वो संविधान बनाने वाले विद्वान थे। ऐसे नहीं थे कि जिसने चाहा संविधान में तरमीम कर दी, बड़ा सोच समझ के भारत का संविधान बनाए। हाँ। उस संविधान से खिलवाड़ ना किया जाए, जो आगे सरकार तय करेगी उसको संविधान के दायरे में तय करना चाहिए। और देश के लोगों को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। पड़ा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा है वो आप लोगों ने सुना? एक सेकंड सुनिए ना सर, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा है देखिए किस संदर्भ में कहा गया है, दर्शकों को ये बताते हुए और आप लोगों की जानकारी के लिए भी, उसके बाद जफर इस्लाम साहब मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक पति हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अलग होना चाहता था, लेकिन पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति से आती है, लिहाजा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस केस को सुनने के दौरान कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होना बहुत जरूरी है, इसके आगे की स्थितियां भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं मसाइल जिसको लेकर हमारे जो राजनेता भ्रम की राजनीति ज्यादा करते हैं, जबकि सीधी सी रेखा होती है उस पर चलने की बात कोई नहीं करता। टिप्पणी जो की गई है सुनिए आप, आज का हिंदुस्तान धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ चुका है, आधुनिक भारत में धर्म जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं, तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह या फिर तलाक में दिक्कत भी आ रही है, आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना ना पड़े इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी अब उसे केवल उम्मीद नहीं रहना चाहिए बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। यह कोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन इसको लेकर राजनेताओं की ओर से भ्रम की राजनीति इतनी ज्यादा की जाती है जिस पर जो आम सीधी साधी जनता होती है वो कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, है तो ये हाईकोर्ट की टिप्पणी, लेकिन बीजेपी खुद में इतने खुश क्यों हुए जा रही है? आपको लग रहा है कि हमारा तो ये एजेंडा था और अब देखिए उस पर हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी, अब हमारी तो बल्ले बल्ले। सबको साथ में लेकर चलेंगे या नहीं चलेंगे? एक आम राय इस पूरे मामले में बनाएंगे या फिर अपनी ही बात थोपेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चित्रा जी। अगर आपको इतिहास मालूम है तो आपको यह भी पता होगा कि जो लॉ कमीशन है उसके पास ये रिपोर्ट है, वो लॉ कमीशन सभी धर्मों के सभी लोगों से सभी पंथों से बात कर रही है, एक कंसेंसस डेवलप करने की जो दिशा में काम कर रही है, अभी से नहीं काफी दिनों से काम कर रही है। ये टिप्पणी जरूर आई है, उसके बैकड्रॉप में आप ये देखिए कि काम ऑलरेडी चल रहा है और इसके जाहिर है सबके कंसेंसस से जो एक कानून बनेगा उसमें सबकी जो है रजामंदी होगी। हाँ। तो इसमें
बीजेपी खुश हो रही है बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं। ये हमारा सोचना है, ये हमारा मैनिफेस्टो का पार्ट है, ये हम इसको बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि थोपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा संविधान, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जो सबको एक्सेप्टेबल हो और सबको एक दायरे में एक संविधान के अंदर लेकर आए, और इसके लिए कोशिश हमारी जारी है। हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां है उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि सरकार की ओर से इस पूरे मसले पर क्या कोशिश की गई है। आपको मालूम है कि लॉ कमीशन नहीं, आपको मालूम है कि अभी यह रिपोर्ट जो है लॉ कमीशन के पास है, जो लॉ कमीशन इसको एग्जामिन कर रहा है। जाहिर है लॉ कमीशन के जब उसको स्टेट ऑफ रेडीनेस में होगा तो जाहिर है उसको उस जाहिर सभी धर्मों से सभी पंथियों से बात करेगा, और उसके बाद जो इनपुट्स होंगे उसके बेसिस पे इसका फाइनल जो है जो अमली जामा जो इसको पहनाने का काम किया जाएगा। लेकिन इस पे आज टीका टिप्पणी करके कोई इसको लोगों को गुमराह करना चाहे वो गलत है। मैंने तो बहुत सिंपल सा मिसाल दिया कि यूएस और यूके में और बाकी दीगर इलाकों मुल्कों में वहां मुस्लिम रहते, अगर ये कह दें यहाँ के उलमा और आलिम दीन कह दें कि वहां के मुस्लिम मुस्लिम नहीं है तो अलग बात है। मैं आलिम दीन नहीं, मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन जो मुस्लिम यहाँ पर बैठे हैं वो कह दें कि वहां के मुस्लिम मुस्लिम नहीं भाई, वहां यूनिफॉर्म चाहे उनके भाई भी हो बहन भी हो सब लोग के रहते हैं वहाँ, जवाब दीजिए तो मैं मान लूंगा। लेकिन ये कहना गलत है। हाँ। ये सऊदी अरब में जिस तरह का डिक्टेटोरियल चीज होता है, इस्लाम से हट के काम होता है, लेकिन इनको बोलने की हिम्मत नहीं है इसलिए कि सऊदी अरब है। अरे खुलकर कहिए जहां गलत होता है, यहां तो सही हो रहा है तो आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वकार साहब, आपकी जानकारी के लिए भी और आप जवाब भी दीजिएगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश अपने यहां लागू कर चुके हैं, हमारे ही यहां पर इतनी भ्रम की स्थिति क्यों बनी रहती है? इस पर आप जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय कुछ बोल रहे हैं, हम सीधे रुक कर लेते हैं। इस अवसर पर जेपीएस जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पुष्पगुच्छ देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय जेपीएस राठौर जी से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय जेपीएस राठौर जी, मैं आग्रह करूंगा जेपीएस राठौर जी से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय बंसल जी का हम सब हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र जी से कि अपने प्रेस में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए विषय रखने का कष्ट करें। माननीय स्वतंत्र जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर केशव प्रसाद जी दिल्ली में रहने के कारण नहीं आ पाए, हम सबके बीच में महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी, श्री गोविंद शुक्ला जी, जेपीएस राठौर जी, ये जो जीत राज्य में मिली है आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजना, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन कल्याणकारी योजना, उनकी नीतियां गांव, गरीब, किसान, गांव के लोगों ने स्वीकार किया है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था राज्य के अंदर, पहले की जो सरकारें थी और उस सरकार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के कारण हटी थी, आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, और घर में बैठी बेटी भी कहती है कि राज्य में 12 बजे भी मैं किसी सड़क पर निकल सकता हूं, किसी गुंडे की हैसियत नहीं कि मुझे छेड़ दे। यदि किसी ने गलती कर दिया फिर वह बचता नहीं है, उसको जेल ही मिलता है और कानून का डंडा चलता है, यानी किसी गुंडे को माफ नहीं है योगी सरकार में। इसलिए राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता जो राज्य के अंदर है, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी, इंसान, आदिवासी, बनवासी का जो कल्याण हुआ है उसका परिणाम है कि राज्य के अंदर
बहुमत से हम लोग और एक तरह कहा जाए बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं हृदय से जन सामान्य लोगों को, राज्य के सभी लोगों का हृदय से मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, और राज्य के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय योगी जी का भी हृदय से वंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय योगी जी से आग्रह करता हूं कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। मित्रों, मैं आज की इस पीसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4 सवा 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम, उसके जीवंत उदाहरण है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आज क्षेत्र पंचायत के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 26 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी और उसके बाद 4 चरणों में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को ये चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें ग्राम पंचायत के लिए 58,189 में से 58,176 पे चुनाव संपन्न हुए थे। क्षेत्र पंचायत के 75,852 में से 75,852 क्षेत्र पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। ग्राम पंचायत सदस्य के 7,32,485 कुल सीटों में से सभी पर, यानी 7,32,485 पे चुनाव संपन्न हुए। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 826 में से 825 में आज चुनाव संपन्न हुए हैं, मतगणना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। जिला पंचायत की 3,050 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, जिनमें से 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अभी हाल ही में विगत सप्ताह संपन्न हुए हैं, यानी कुल 8,70,477 में से 8,70,463 ये चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मेंबर चुने गए, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य,
आज प्रमुखों का चुनाव हुआ है, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव हुआ है और इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पार्टी की जो रणनीति थी जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं का संगठन की रणनीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़ा उसका परिणाम था कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। 73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। क्षेत्र पंचायत के 825 क्षेत्र पंचायतों के लिए जो चुनाव संपन्न हुए हैं जिनमें 75,852 सदस्यों ने भागीदार बनकर के चुनाव संपन्न किया और आज जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 825 में से 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 14 अपने सहयोगी दलों को दिए थे, सहयोगी दल अपना दल एस को दिया था और 76 सीटें ऐसी थी जहां पर 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, यानी दोनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही लड़ रहे थे। तो वहां पे हम लोगों ने उसको फ्रेंडली, उसको पार्टी की तरफ से उन दोनों को स्वतंत्रता दी थी कि वे शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर हम लोग पार्टी नहीं बनेंगे, वे शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को वहां पर लड़ेंगे। यानी कुल 90 सीटें ऐसी थी जो हम लोगों ने फ्री छोड़ी थी, 14 अपने सहयोगी दल के लिए और 76 उन कार्यकर्ताओं के लिए जहां पे 2 भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर लिए थे और बाकी 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी समर्थित किए थे। उन्होंने समर्थन 735 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर अपना समर्थन दिया। आज जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान है उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है और ये संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर ये संख्या और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। मैं इसके लिए सबसे पहले इन सभी विजयी प्रत्याशियों को, हमारे 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, 825 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख बनेंगे, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों ने अपने समर्थन से जिला पंचायत के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, लेकिन उससे पहले ग्राम प्रधान के 58,176 सीटों पर परिणाम आए, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत के 75,852 सीटों के परिणाम आए, वहां पर इतने सदस्य बने और फिर ग्राम पंचायत के 7,32,485
सदस्य ग्राम पंचायत समिति के चुने गए 870,463 कुल सदस्यों का चयन हुआ या इसके अध्यक्ष बने, इन सब का चयन हुआ है। बहुत बड़ी चुनाव की प्रक्रिया थी इस, यानी दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग लगते हैं, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा भी। सभी विजयी प्रत्याशियों को, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बने, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य बने और ग्राम पंचायत के सदस्य भी बने हैं, उन सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके आज वे लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उन्होंने जन विश्वास अर्जित किया और आज चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। मैं इस अवसर पर उन सभी विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कोरोना काल खंड में स्वयं के जान की प्रवाह के बगैर, एक तरफ कोरोना से जूझना, कोरोना में सेवा ही संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास किया और दूसरी तरफ अपने अधिकृत प्रत्याशी को जिताने में योगदान दिया, चाहे वह ग्राम प्रधान का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुख का हो, इन सब पर विजयी बनाने में जो योगदान दिया हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे सहयोगी मंत्रीगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र समितियां हैं, जिला की हमारी जो कमेटियां हैं, मंडल के जो हमारे अध्यक्षगण हैं, इन सब ने जो योगदान दिया है, इन सब को भी मैं इस अवसर पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं इस विजय के लिए कि उन सभी कार्यकर्ताओं का और इन सब के सामूहिक टीम वर्क का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना भारी समर्थन कोरोना से जूझते हुए, लड़ते हुए पंचायत चुनाव में इतना भारी समर्थन प्राप्त किया। राज्य निर्वाचन आयोग को मैं इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि कोरोना के उस कालखंड में पंचायत चुनाव को 4 चरणों में उन्होंने संपन्न किया, जो मैंने आपको पहले बताया 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, इन 4 तिथियों में ये चुनाव सभी संपन्न हुए थे और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 10,12,395 मतदान कर्मियों ने इसमें भाग लिया था, 75 प्रेक्षक भी गए थे, 1,735 जोनल मजिस्ट्रेट गए थे, 11,561 सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपनी सेवाएं दी, 379 सहायक निर्वाचन क्षेत्र पंचायत सदस्य इसमें गए थे, 879 निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए गए थे, 7,971 सहायक निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य गए थे, 876 निर्वाचन अधिकारी ग्राम प्रधान के गए, सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में 9,234 प्रभारी ग्राम प्रधान, 1,406 और सहायक ग्राम प्रभारी ग्राम प्रधान 3,094, यानी कुल 10,49,680, यानी 10.5 लाख राज्य कर्मियों ने निर्वाचन आयोग के निर्देशन में इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया है और इसमें ये सभी चुनाव इसके साथ संपन्न हुए हैं। इसमें अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, हमारे पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने, पीएसी के जवानों ने, होमगार्ड के जवानों ने,
इन सब की संख्या देखेंगे तो ये काफी बड़ी संख्या होती है जिन्होंने इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से यानी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े आयोजन को इतनी बड़ी संख्या में जहां पर हम लोग 870,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया है। इन सभी अधिकारी कर्मचारियों ने को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। इसमें से कुछ लोग कोरोना की चपेट में भी आए, कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर के और समय कालकल भी थे, उन सब के प्रति भी मैं अपनी संपूर्ण उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार ने जैसे पहले ही व्यवस्था दी कि कोरोना कालखंड में जो भी कर्मचारी ट्रेनिंग से लेकर निर्वाचन ड्यूटी से लेकर या उसके बाद उस ड्यूटी के दौरान अगर वह संक्रमण की चपेट में आया है और दुखद मौत उसकी भले ही एक महीने के अंदर कभी हुई हो तो उन्हें हम जो कंपनसेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से तय किया था उस कंपनसेशन से आच्छादित करेंगे। और राज्य सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन करने की के लिए निर्वाचन आयोग को कहा, निर्वाचन आयोग ने फिर अपने गाइडलाइन में संशोधन करने के बाद हमें उस प्रकार का प्रस्ताव बना के भेजा। राज्य सरकार उन सभी कर्मियों को उस प्रकार का कंपनसेशन भी दे रही है, उनके परिवार के सदस्यों को एक नौकरी भी दे रही है, लेकिन किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती है। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है और ड्यूटी करते हुए जिन कर्मियों ने अपने आप को समर्पित किया लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान किया, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने में जो योगदान दिया वो अत्यंत सराहनीय रहा और इतने बड़े चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना ये अपने आप मुझे लगता है जिस राज्य में लोकतंत्र को जाति मत और मजहब के दायरे में बांट करके पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था, आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है बशर्ते जनता उसको न ठुकराए। और वे सभी लोग आज इस चुनाव में वह परिणाम भी सामने आ रहे हैं, ग्राम प्रधान के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए हुए चुनाव उसी गरिमा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी जो विजयी प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के भी और क्षेत्र पंचायत के भी, इन सबको मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अहर्निश प्रयास करके एक सम्मानजनक विजय पार्टी के लिए उपलब्ध करवाई है और हर तबके के कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप देखेंगे कि जिला पंचायत में भी और क्षेत्र पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर एक तबके के लोगों कार्यकर्ताओं को, एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया गया। कोई प्रमुख बन रहा है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई प्रधान बना है, कोई क्षेत्र पंचायत का सदस्य बना है, कोई ग्राम पंचायत का बना है। 870,000 से अधिक लोग लोकतंत्र की इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके गांव तक विकास की प्रक्रिया को जुड़ने का काम के इस प्रक्रिया के साथ लगेंगे, एक बड़ा कार्य आज संपन्न होने जा रहा है। मैं इसके लिए उन सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को और जिन सभी लोगों ने, जो पदाधिकारी, जो जनप्रतिनिधि, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी, जो कर्मचारी या जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद
आने वाले समय में ये सभी त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़ी हुई हमारी व्यवस्थाएं विकास की गति को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए गांव के विकास को प्राथमिकता दी है, गांव को विकास की धुरी बनाया है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद विकास की योजनाओं के का केंद्र बिंदु ग्राम पंचायत बना है, ग्राम पंचायत का बढ़त काफी बजट बढ़ा है, क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों में काफी रिफॉर्म हुए हैं और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए जो एक आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़ाने में हमारी पूरी टीम जो 7,70,000 से अधिक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं ये सभी लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश पदाधिकारियों को, हमारे प्रदेश संगठन के महामंत्री जी जिनकी रणनीति में इस पूरी प्रक्रिया को प्रदेश संगठन ने आगे बढ़ाया है, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि सरकार और संगठन की जो एक टीम थी, एक टीम वर्क था, ये टीम वर्क इस व्यापक परिणाम को लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मैं सभी विजयी प्रत्याशियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।